नमस्कार दोस्तों, मैं AK सिंह विद UP SSSC स्टडी फोन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, यूपी स्पेशल जीके पार्ट 6। तो मैं आपको इसके पार्ट 5 दे चुका हूं और ये आपका पार्ट 6 है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट 6 में दोस्तों आपका सब्जेक्ट रहेगा शैक्षिक विकास, साहित्यिक एवं पत्र पत्रिकाएं। ठीक दोस्तों, तो इस चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, वाराणसी। ठीक दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, इलाहाबाद। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, 17। ठीक, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, 1972। ठीक, पांचवें क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया बताइए दोस्तों? उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, 2011। ठीक, छठवां क्वेश्चन देखें तो दोस्तों, राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? इसका आंसर होगा आपका दोस्तों, 1984। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी के एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही आपके लिए लाभकारी हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर आप देखें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको अगले वीडियो के बारे में पता चल सके, जो आप वीडियो को देख सकें और आपको ये आपके यूपी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए सातवें क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है बताइए? सातवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक दोस्तों, तो इसमें आपका केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपको देती है 65% और राज्य सरकार देती है आपका 35%, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। आठवां क्वेश्चन देखें दोस्तों, संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, चौथा, 15 से 35 वर्ष। नवा क्वेश्चन देखें तो, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई बताइए दोस्तों? मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1995, यानी दूसरा ऑप्शन सही है आपका दोस्तों। दसवां क्वेश्चन देखें दोस्तों, मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा बताइए? मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा? इसका आंसर होगा आपका दोस्तों, 2004, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, 2004। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? इसका आंसर होगा आपका दोस्तों, 14, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, 14। बारहवां क्वेश्चन देखें दोस्तों,
मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है बताइए। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसका आंसर हो जाएगा राइट गोरखपुर। ठीक दोस्तों, 13वां क्वेश्चन देखें तो इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है? इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आईआईटी कानपुर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आईआईटी कानपुर। अगले क्वेश्चन चलें, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1989। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, कृषि डिम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? कृषि डिम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों इलाहाबाद। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इलाहाबाद। 16वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं? उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, दो कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेज। 17वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कब से सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया बताइए दोस्तों। यानी कि जो हमारे सरकारी ऑफिस होते हैं उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कब से कर दिया गया बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका पहला, 1968। ठीक दोस्तों, 18वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है बताइए। इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों संस्कृत संस्थान द्वारा। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही है, संस्कृत संस्थान द्वारा। 19वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, संत कबीर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? संत कबीर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है बताइए। इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों दूसरा, आगरा। ठीक, 21वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बताइए दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 22वां क्वेश्चन देखें तो लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ? लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों फोर्थ, 1976। ठीक दोस्तों, 23वां क्वेश्चन देखें तो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है बताइए, कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों? ये अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों तीसरा ऑप्शन, गोरखपुर। 24वां क्वेश्चन देखें तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा, बनारस अखबार। ठीक, तो इस वीडियो का आखिरी और एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है 25वां, धार्मिक पत्रिका अहिंसा का प्रकाशन कहाँ से होता है? धार्मिक पत्रिका अहिंसा का प्रकाशन कहाँ से होता है बताइए। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका इसका झांसी, फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यूपी के मतलब चैप्टर देखें तो आपका ये शैक्षिक विकास साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको ये करा दिए हैं, और ये आपके यूपी के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। आप ज़रूर इसे देखें, चाहें तो आप इसे अपने कॉपी वॉपी पे लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। चैनल अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके दोस्तों, अगला वीडियो जल्दी आपको दिया जाएगा, पार्ट 7।